Assalamu alaikum students, hopefully you are going well. So finally the topic that we are going to start today is position vector. Position vector humne last class mein fundamental discuss kar liya tha. Today we are discussing some of the few of the past paper questions. So chale, let's move on. Pehle kuch cases ki baat kar lete hain. Aapke paas, according to following condition, if you read the following condition, hopefully ab aapko ye visible hoga. मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ. या परफेक्ट. इफ यू बिन थ्रू द फॉलोइंग कंडीशन, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1, 0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज आल्सो गिवन टू यू दैट इज 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आल्सो गिवन टू यू दैट इज 2, 3 देन एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू फाइंड द वेक्टर ए बी. फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर आपको वेक्टर ए बी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं. आप ऑलरेडी इस बात को previously discuss कर चुके थे. हमने already इस बात को previously discuss किया था कि अगर examiner a b vector की बात करे तो a b vector का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हो. a b vector calculate होगा o b minus o a से. अगर आप o b में से o a को subtract कर लो तो here comes out to be the vector a b. अब problem is कि you are not aware about o b vector, you are not aware about o a vector. तो ऐसी condition में हमने last class में भी discuss किया था the coordinates of the point when written into the column vector format becomes coordinate. मतलब coordinate को जब भी आप column vector format पे लिखते हैं तो वो असल में उस point का column vector बन जाता है, उस point का position vector बन जाता है जिसको आप with respect to origin specify कर रहे होते हैं. means 2, 3 को अगर मैं column vector format पे लिख दूं तो असल में हमारा ये वेक्टर ओ बी होगा, हमारा ये वेक्टर ओ बी कैटेगराइज होगा. और इन द सेम वे अगर मैं ओ ए जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट पे लिख दूं लाइक ओ ए इज इक्विवेलेंट टू 1, 0 तो नाउ दिस बिकम्स योर कॉलम वेक्टर. तो फाइनली आप इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं and you get the final answer. मैं जो substitute कर रहा हूँ and solve कर रहा हूँ तो hopefully इनका possible answer आ जाएगा, इनका possible answer आ जाएगा. yes perfect. OB की value आप लिखने वाले हैं 2 and 3, OA की value आप लिखने वाले हैं 1 and 0. And when you are going to subtract both the values, 2 minus 1 comes out to be 1, 3 minus 0 comes out to be 3. Here comes out to be the vector A B. I want you people to note it down ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. आप वीडियो पॉज करके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. So hopefully you have calculated the value of vector A B. अब इस बात को मैं आपको साइड में अगर आपने नोट किया तो मैंने यहाँ पे आपके पास ओरिजिन ड्रॉ करा हुआ है. आपके पास एक्सेस ड्रॉ करे में इन्हीं पॉइंट्स को, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इन्हीं को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी आपको दिखा दूं तो आपका आप लोग को ये बात क्लियरली आइडिया हो जाए कि अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी मेंशन करें तो आने वाला वेक्टर ए बी की वैल्यू यही आनी चाहिए थी. बाय द वे ये पूरा ओरिजिन और पूरे एक्सिस ड्रॉ करके आपने चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ताकि हम डायरेक्टली आगे पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. सो फाइनली अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए को आप देखें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए गिवन इज 1, 0. सो 1, 0 इज हेयर. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज 2, 3. तो 2, 3 इज हेयर. और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को फाइनली मेंशन कर दें तो दैट्स ए, दैट्स बी. और अगर मैं इन्हीं को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेगमेंट से ड्रॉ कर लूं तो ये आपके पास वेक्टर ए बी होगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग ऑन बी. अब देखिए एग्जामिनर ने शुरू में एक बात कही थी, अगर आप लोगों ने इस बात की कंडीशन को रीड कराओ, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है. अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो एक बात तो श्योर है ना कि डेफिनेटली आपके पास सेगमेंट सी भी होगी, सेगमेंट डी भी होगी. तो वेयर दैट सेगमेंट सी एंड सेगमेंट डी लाइज, अब इसकी बात करते हैं. एग्जामिनर ने कंडीशन दी, गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज 4, 0 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. एग्जामिनर ने डी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं. अब देखिए इसको एक सिंपली बात से समझते हैं. दिस इज ए, मैं कलर चेंज करता हूं. दिस इज ए, दिस इज बी. डेफिनेटली यहां पे कहीं सी लाया कर रहा होगा बिकॉज डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास एग्जामिनर ने 4, 0 गिवन करें तो 4, 0 लाइज समवर्ड हेयर
तो ऐसी ही बात है ना कि अगर आपके पास डी इधर मेंशन्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली इफ दिस इज ए दिस इज बी सो सी मस्ट लाई हेयर ताकि डी यहाँ पे फॉर्म हो जाए। अब देखिए मैंने सी वहां पे मेंशन जरूर कर दिया लेकिन आप प्रॉपरली कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे ना कि एग्जैक्टली सी के कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे होंगे, सी लाए कहाँ पे करेगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, यस और नो। तो अब देखें इस चीज को प्रूव करने के लिए और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप जो कंडीशन यूज कर रहे होते हैं एग्जाम में, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। एक तो अप्रोच ये है, एक अप्रोच तो ये कि आप प्रॉपरली इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करें और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्सेसिस के अकॉर्डिंगली आपने प्रॉपर प्लॉटिंग करी, हाँ प्रॉपर मार्किंग करी, आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और एग्जामिनर आपके पास नॉर्मली इस तरह की जब भी क्वेश्चन देता है तो 1 मार्क 2 मार्क से ऊपर की बात होती नहीं है। तो इफ द कंडीशन इज ऑफ मैक्सिमम 1 to 2 मार्क तो आप इतनी लंबी थोड़ी करेंगे। देयर मस्ट बी सम डायरेक्ट अप्रोच, देयर मस्ट बी सम डायरेक्ट मेथड। अब उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर हम लोग इसको स्टेप बाय इसको ग्राफिकल अप्रोच से भी समझ लेंगे ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एग्जामिनर ने कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी गिवन करे हुए हैं 4 and 0 तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर फॉर्मेट पे लिख लें, मतलब कोऑर्डिनेट्स को कॉलम वेक्टर फॉर्मेट पे लिख लें तो वो उसका बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। मतलब ये कि अगर आपने 4 0 लिखा इसका मतलब आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और डी तक ट्रेवल कर रहे हैं। सो ये कुछ ऐसी बात होगी। आपको चाहिए सी, तो अगर आप सी तक ट्रेवल करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जो भी आपके पास जिस तरह वेक्टर ए भी आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ है इसी तरह एग्जैक्टली क्योंकि ये शेप पैरेललोग्राम है, अगर ये शेप पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली वेक्टर ए बी के पैरेलल वेक्टर डी एंड सी होगा, और अगर डी एंड सी इसके पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट सी यहाँ पे कहीं लाया कर रहा होगा। हम प्रॉपरली ग्राफिकल अप्रोच की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक रफ बात करते हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ इसको रफली भी आपके पास ड्रॉ करके बताता हूँ। रफली ड्रॉ करके बताने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसे वाली बात है। मैंने अज्यूम करा कि भाई ये मेरा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, आपके पास कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपका ओरिजन है, ओके दैट्स योर ओरिजन। पॉइंट डी आपके पास यहाँ पे कहीं लाया कर रहा है, दिस इज ओ, ओ से लेके डी ट्रेवल कर रहे हैं और डी से लेके सी ट्रेवल कर लेंगे, दिस इज सी। अब सी मैंने इधर इसलिए कंसिडर करा क्योंकि ए बी वैक्टर यहाँ पे ड्रॉ हुआ हुआ था, ए बी वैक्टर आपके पास इधर कहीं ड्रॉ हुआ हुआ था, दिस पॉइंट इज कंसिडर एस ए, दिस इज कंसिडर एस बी। अब एक बात तो क्लियर है कि जो आपके पास ए बी वैक्टर होगा सेम डी सी वैक्टर भी वही होगा, जो आपके पास ए बी वैक्टर होगा सेम डी सी वैक्टर भी वही होगा, बिकॉज बोथ द वैक्टर्स आर इक्वल इन लेंथ एज वेल एज दे आर सेम इन डायरेक्शन। हमने एक बार शुरू में पढ़ी थी ना इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने एक बार डिस्कस करी कि वेक्टर्स आर सेट टू बी सेम, या वेक्टर आर सेम टू बी इक्वल इफ दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑल्सो सेम इन डायरेक्शन। तो अब एक बात ये समझें कि अगर आप सी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि आप असल में ओ सी वैक्टर चाहते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का मतलब आप असल में ओ सी वैक्टर चाहते हैं, और ओ सी वैक्टर का मतलब ये होगा स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडल्टिंग हेयर, यहां से आप ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं और सी तक ट्रेवल कर रहे हैं तो दिस मस्ट बी योर वैक्टर ओ सी। तो भाई बात ये समझ में आ रही है, फ्रॉम फिगर इट्स क्लियर दैट कि ओ सी वैक्टर आपके पास बराबर होगा ओ डी, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी गिवन है उसको मैंने ओ डी लिख दिया, प्लस डी सी वैक्टर मतलब आप ओ से लेके गए डी और डी से लेके आपने ट्रेवल करा सी, तो अगर ओ डी वैक्टर में डी सी वैक्टर ऐड कर दिया जाए तो हेयर कम्स आउट टू बी ओ सी वैक्टर, और जो ओ सी कॉलम वैक्टर आएगा वही असल में सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो फाइनली इसको फुलफिल करते हैं, क्योंकि मुझे डी सी वैक्टर तो पता ही नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट डी सी वैक्टर, तो भाई डी सी वैक्टर तो ए बी वैक्टर के बराबर है, मतलब उसकी वैल्यू भी वेन रिटन इन अ कॉलम वैक्टर फॉर्मेट 1 and 3 ही होगी। तो जब 1 and 3 ही होगी तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि आपके पास ओ डी वैक्टर तो है 4 and 0, डी सी वैक्टर है 1 and 3, तो फाइनली ऑन एडिशन दिस कम्स आउट टू बी 5 and 3। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि जो ओ सी वैक्टर आया वो ही असल में सी के कोऑर्डिनेट हैं, दैट इज 5, 3। और अगर आप इस बात की प्रॉपर प्लॉटिंग भी करें तो एक बात नोट करिएगा, ए से लेके बी तक ट्रैवल करने के लिए आपको एक्स में 1 यूनिट वाई में 3 यूनिट मूव करना पड़ रहा है, तो डी से लेके सी में मूव करने के लिए भी डी से लेके
सी पे मूव करने के लिए भी आपको एक्स में 1 यूनिट और वाई में 3 यूनिट ही ट्रेवल करना पड़ेगा. और अगर आप प्रॉपर ग्राफिकल अप्रोच के अकॉर्डिंगली बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 5, 3 ही आ रहे हैं. अब आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि why we are exaggerating it, मैं इसको इतना लंबा करके क्यों बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं. और आपके दिमाग में बहुत सारे मेथड्स आ रहे होंगे कि यार जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, या डायरेक्ट इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत क्या है, कि आप लिख क्यों रहे हो कि ओ सी आपके पास ओ डी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर के बराबर होगा. ये डायरेक्ट भी तो हो सकता है. देयर आर नंबर ऑफ वेज भाई जिससे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं. अभी मैं आपको पास पेपर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, हम पास पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो होपफुली आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि व्हाई आई एम एग्जैजरेटिंग और मैं क्यों आपको स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मल्टीपल अप्रोचेस से बात को बता रहा हूं. तो आपको होपफुली वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, हम साथ में एक बात ये भी सीख लेते हैं कि अगर आप वेक्टर को इस तरह से इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली ऐड कर रहे होते हैं, आपने ओडी में डीएनसी ऐड करे, तो आप एक बात नोट करेंगे कि जहां पे ये ओडी वेक्टर एंड हुआ, मतलब ओडी है ना, तो वहीं पे ये डी और सी, मतलब ये ओ से लेके डी पे एंड हुआ, तो अगला वेक्टर भी डी से स्टार्ट होगा. जिस पे आपके पास पहला वेक्टर एंड होता है, दूसरा वेक्टर जब हम इस तरह से कॉलम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दूसरा वेक्टर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे स्टार्ट भी होता है. तो होपफुली आपको फाइनली क्लैरिटी हो गई होगी इस बात की. तो फाइनली हमारे पास जो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दैट कम्स आउट टू बी 5, 3, वेदर बाय ग्राफिकल अप्रोच, वेदर बाय दिस फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच. अब मैं डायरेक्टली आपको एक पास पेपर क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो होपफुली आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं इस बात पे इतना एग्जैजरेट क्यों कर रहा था. You can just pause the video and note it down. Okay? I am moving towards past paper question. Zara, past paper ke is question ke scenario ko dekhega. Question number 20. Ab aapko ye baat clear hogi ke main is baat ko exaggerate kyun kar raha tha. Question number 20. Acha, question number 20 ke hum sare ke sare part discuss nahi kar rahe, sirf wo part discuss kar rahe hain jo position vector se associated hai. Okay? I am giving you a time to read the question so that phir main aage aap logo ko bata sakun. Okay, you can even pause the video and just read the following condition. Then I'll tell you which part I'm going to discuss. Okay, now let's read question number 20 ki condition. Hopefully, you have read all of them. I'll discuss it. Question number 20, mein jo part we're going to solve karne ja rahe na, question number 20, mein, we are just going to discuss the vector PR. We are going to discuss part number 3. Because abhi, jo main position vector ke concepts hai, aapko samjhana cha raha hu, wo yehi do part important hai. Pehle ek baat hi samjhiyega. इसमें कहीं भी एग्जामिनर ने ओरिजिन ड्रॉ करके नहीं दिया हुआ, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम एक ऐसी रफली ओरिजिन स्केच कर लेते हैं. हमें क्या पता ओरिजिन कहाँ पे होगा, हमने बस एक ऐसी ओरिजिन को स्केच कर लिया. मैं इसकी थिकनेस भी थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि रीडेबल हो चीजें रीडेबल हो. मैं ओरिजिन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थिकनेस कम करके, लाइक दिस. परफेक्ट परफेक्ट, ये आपके पास आ गया एक अदद ओरिजिन. एक्सिस आ गए दोनों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ऑब्वियसली जहां भी आपके पास ये मैंने ओरिजिन को स्टार्ट करा, दिस पॉइंट इज कंसिडर एज ओरिजिन. अच्छा, पहले पार्ट में आपको एग्जामिनर कह रहे कि भाई पी से लेके आर तक वेक्टर कैलकुलेट कर लें, के पी से लेके, बल्कि इनफैक्ट हमें इस पार्ट को भी करने की जरूरत नहीं है. मैं फिर भी वर्बली बताता हूँ. देखिए, मैं पार्ट ए की अगर मैं बात करूँ, पार्ट ए में आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होगा कि मैग्नीट्यूड में वी आर गोइंग टू डू जस्ट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर. x component इस condition के accordingly 12 given है, y component -35 given है. तो अगर आप x component और y component का square करके solve करें, तो ये वाली बात होगी ना, it's like 12 square plus -35 का square, और आप accordingly calculator solve कर लेंगे. Hope so इसका answer 37 आ रहा होगा, 37 units. Okay, so इस तरह आपके पास में आता हूँ finally PR vector की तरफ, कि भाई PR vector calculate करने है. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप अकॉर्डिंगली पॉज करके नोट डाउन कर लिएगा. ओके, आई एम जस्ट इरेजिंग द कंडीशन. फिर बात करते हैं फाइनली वेक्टर पीआर की. अगर आप पीआर वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इट मींस यू हैव टू मूव फ्रॉम पी टिल आर. भाई पी से लेके आर तक ट्रैवल करने के लिए आपके पास एक पाथ है कि भाई पी से लेके आप चले जाएं क्यू, एंड देन क्यू से लेके आप ट्रैवल कर लें आर. ओके, लेट्स रिज्यूम, आई वाज गेटिंग अ कॉल, तो चलें आगे कंटिन्यू करते हैं. अगर आपने पी आर वैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इन दैट केस यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम पी टिल क्यू, देन क्यू टिल आर. तो आपके पास पी आर वैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा. तो आप सिंपली कह सकते हैं पी से लेके आर ट्रेवल करने के लिए आप पी क्यू और क्यू आर वैक्टर को एड ऑन कर लेंगे. तो भाई कंडीशन बहुत सिंपल है, आपके पास पी क्यू वैक्टर भी गिवन है और क्यू आर वैक्टर भी गिवन है. P
क्यू वेक्टर आपके पास गिवन है 12 माइनस 35, क्यू आर वेक्टर आपके पास गिवन है 4 एंड 14, एक्स कॉम्पोनेंट में आप एक्स ऐड करेंगे, वाई कॉम्पोनेंट में वाई एड ऑन करेंगे, तो एक्स कॉम्पोनेंट में अगर आप ऐड करें 12 प्लस 4 कम्स आउट टू बी 16, माइनस 35 प्लस 14 कम्स आउट टू बी नेगेटिव का 21, तो हियर कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ पी आर वेक्टर. ओके, तो फाइनली हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस, पार्ट नंबर 2 की भी कंडीशन पढ़ ले, मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, मेनली माय मोटिव इज टू डिस्कस द पोजीशन वेक्टर कांसेप्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन. तो आई एम इरेजिंग द स्टफ, आप वीडियो पॉज करके अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर सकते हैं. फाइनली मैं फिर पार्ट नंबर 3 में पोजीशन वेक्टर एसोसिएटेड कंडीशन को डिस्कस करता हूं. ओके, सो फाइनली मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 3. अब पार्ट नंबर 3 की आप कंडीशंस जरा रीड कर लें, then मैं डिस्कस करता हूं. Examiner said PQRS is parallelogram given that the coordinates of R is 6 and 16. Coordinates of R आपके पास given है, जिसकी value आपके पास 6 और 16 है. अगर R के coordinates की value 6 और 16 है, तो मैं लिख देता हूं भाई coordinates of R is 6, 16. Okay भाई, we have noted down. अब examiner आपसे condition क्या कहता है? We have been asked to find the value of S, coordinates of S. अब बात यह है, एग्जामिनर ने बताया पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, सो दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, तो ऑब्वियसली आने वाले एस के कोऑर्डिनेट को आप पैरेललोग्राम बनाने के लिए इधर ही कहीं प्लॉट करेंगे ना, इधर ही कहीं प्लॉट करेंगे ना. यस और नो? मैं इसको और प्रॉपरली वो करता हूँ, इधर ही कहीं प्लॉट करेंगे ना, मतलब इट्स लाइक दिस कि यहाँ पे ऐसे कहीं ये शेप पैरेललोग्राम बन रहा होगा. ये तो मैंने रफली स्केच करा है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप एस कह सकते हैं और एस के एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है. अब देखें कंडीशन के अकॉर्डिंगली ना आपको पी के कोऑर्डिनेट्स पता, ना क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता, एग्जामिनर हैज जस्ट गिवन यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर. अब बात यही आ गई कि भाई अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर गिवन है तो अब कैसे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर अबाउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर. तो देखें अब आपके पास, I want you people to just pause the video and write the multiple ways in which you can write the coordinates of S. और फिर आप मेरी given conditions accordingly match करिएगा. मैं फिर आप लोगों को guide करता हूँ. देखिए बड़ी simple सी बात है. आपके दिमाग में अगर ये हम बात करें S की, you are not aware about the coordinates of S. अगर आप आपके पास यहाँ पे जो S के coordinate हैं, वो पता नहीं है. आपके पास R के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो अगर आप उस कंडीशन को यूज करें जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करी थी, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर एंड राइटिंग द दैट कंडीशन. मैं उस कंडीशन को फिर लिखता हूँ, आपको होपफुली वो क्लियर होगी कि भाई जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है ना, मूव तो हमेशा ओरिजिन से करना होगा. मूव तो आपको हमेशा ओरिजिन से ही करना होगा, तो आपने ओरिजिन से मूव करा आर, क्योंकि जो आपके पास पॉइंट आर है और R के कोऑर्डिनेट्स 16 है, जब आप इसको कॉलम वेक्टर फॉर्मेट पे लिख देंगे तो वो OR बन जाएगा. और फिर आप फाइनली अगर R से ट्रैवल करें S पे, सो फाइनली वो बन जाएगा RS वेक्टर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S, तो असल में आपने OS वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा. यस और नो? अगर आप S के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ भाई, देखे ना, दिस विल बी कंसिडर S पॉइंट ओ, इसको आप पॉइंट ओ कह रहे होंगे, ये वाला पॉइंट आर होगा, ये वाला पॉइंट एस होगा. अगर आप एस के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड ओ एस वेक्टर. और अगर ओ एस वेक्टर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, उसी को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम वेक्टर आ जाएगा, उसी कॉलम वेक्टर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे, तो इट मींस आप फाइनली एस के कोऑर्डिनेट पता कर चुके होंगे. सो आप ओ एस वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें जो पास समझ में आ रहा है, वो आ रहा है ओ से लेके आर ट्रेवल करना, आर से लेके एस ट्रेवल करना. अब प्रॉब्लम ये है ना कि ना आर एस वेक्टर पता, हाँ ये कह सकता हूँ कि जो आपके पास ओ आर वेक्टर होगा, ये इसको मैं कॉलम वेक्टर फॉर्मेट पे लिखूं तो वो ओ आर वेक्टर बन जाएगा. ओ आर वेक्टर विल बी 6 and 16, ये आपके पास ओ आर वेक्टर होगा. तो आर एस वेक्टर पता नहीं है. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी थिंकिंग लाइक, यार अगर आर एस वेक्टर कैलकुलेट करना है तो प्रॉब्लम क्या है, ओ एस में से ओ आर माइनस कर दो. नॉर्मली हम पोजिशन वेक्टर में ही करते हैं ना कि अगर आर एस वेक्टर कैलकुलेट करना है तो ओ एस में से ओ आर माइनस कर लो, सॉल्व हो जाएगा. अब प्रॉब्लम ये है ना कि ओ एस ही तो असल में पता करना है, और अगर आप इस तरह से ओपन भी कर लें तो आपके पास लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और फिर आपके पास जो लेफ्ट ओवर पार्ट बचेगा वो ओ एस लेफ्ट साइड पे भी बचेगा और राइट साइड पे भी बचेगा.
ऐसी कंडीशन में आप लोग करते क्या है? अब मैं उसकी बात करता हूँ कि भाई आपने इस तरह से ओपन नहीं करना, आप करते क्या है? जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में भी एक बार डिस्कस करी थी लाइक कि अगर आपके पास आर एस वेक्टर की बात की जाए, दिस इज योर आर एस वेक्टर, दिस इज योर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंडिंग टिल हेयर, इसको हम आर एस वेक्टर कैटेगराइज कर रहे हैं। आर एस वेक्टर असल में वो ही होगा जो आर एस वेक्टर वो ही होगा जो आपके पास क्यू पी वेक्टर होगा। आर एस वेक्टर वो ही होगा जो क्यू पी वेक्टर होगा। द रीजन इज क्योंकि भाई देखे ना, आपके पास बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेलोग्राम बराबर होती है, तो भाई आर एस वेक्टर वो ही होगा जो क्यू पी वेक्टर होगा। दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन में भी सेम है, तो आप ये बात क्लियरली कह सकते हैं ना कि आर एस वेक्टर और क्यू पी वेक्टर दोनों के दोनों वेक्टर बराबर होंगे। और इफ दे आर इक्वल, आपके पास पी क्यू वेक्टर गिवन है, अगर इसी वेक्टर को मैं क्यू पी वेक्टर लिखना चाहता हूं तो इट मींस दैट कि मुझे कॉम्पोनेंट के जस्ट साइन चेंज करने पड़ेंगे। जो 12 है उसको मैं -12 लिख दूंगा, जो -35 है उसको मैं +35 लिख दूंगा। तो हेयर आई हैव रिटन द वेक्टर क्यू पी। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि भाई जो वेक्टर आर एस है, वेक्टर आर एस की वैल्यू होगी -12 +35। तो हेयर कम्स आउट टू बी द वेक्टर आर एस। वेक्टर आर एस की आपके पास अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ गई। तो अब फाइनली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, ओ आर वेक्टर आपके पास 6 and 16 हो जाएगा। आर एस वेक्टर की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, आर एस वेक्टर की वैल्यू मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ आर एस वेक्टर इज -12 +35। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर ले, यू गॉट द वैल्यू ऑफ ओ एस वेक्टर, और ओ एस वेक्टर ही असल में एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। +6 -12 कम्स आउट टू बी, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, +6 -12 कम्स आउट टू बी -6, +6 +35 comes out to be 51. तो finally the coordinates of S comes out to be -6, -6, 51. Here you got the value of coordinates of S. तो इस तरह से आप step by step solve कर रहे होते हैं। Hopefully you guys got the concept or cleared about the following condition. I want you people to just pause the video and note it down. So in next class, we inshallah start with some of the new conditions. Thank you.